Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Rishi Sharma's vlog. और मैं हूँ बाहर घर के आशु के साथ. आशुरी, आशु कहाँ जा रही है? और ये बिल्कुल भी सुबह सुबह नहीं है, 2:30 बज रहे हैं. इस टाइम मैं आशु को पॉटी कराने आई हूँ क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इट्स अ पॉटी टाइम फॉर हिम नाउ. और वैसे मैं उठी भी 12:30 बजे थी, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी 12:30 बजे हुआ है. तो सारा टाइम यू नो सैटरडे स्लीपिंग डे, और स्लीपिंग डे में मैं घूम रही हूँ अपनी गलियों में बस को पॉटी करा के. आज मुझे काम है. एक्चुअली मैंने सोचा है कि काम कर लिया जाए जो पेंडिंग है, और जो वीकली मैंने काम सोचा हुआ है सैटरडे संडे वाला वो काम किया जाएगा. सो देयर लॉट्स टू डू. इसको पॉटी करा के चलते हैं घर, फिर करते हैं. और अभी बारिश भी कम है. और इधर होके साइड होके चलो, पता नहीं बीच में जाना है इस लड़के को, और कहाँ कहाँ चलता रहता खुद ही. गंदे लड़के इधर आ जाओ. बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रही है यहाँ पे, और साथ साथ मैंने सोचा अब काम कर लिया जाए क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं. आज 19 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख हो चुकी है, 10 दिन बचे हैं. मुझे घर शिफ्ट करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कैसे क्या होगा. तो फिलहाल यहाँ से सामने से खोल के मैं सारा ये सामान निकाल रही हूँ, भर रही हूँ इधर. और ये सामान का क्या करना है वो भी नहीं पता है. घर भी कन्फर्म नहीं हुआ है अभी तक, वो भी कन्फर्म करना है. लेट्स सी. अभी तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सामान निकालती हुई, तो आप देख सकते हैं. इसको देखो, ये ऐसे आके बैठता है. जब मैं बेड खोल के बैठती हूँ ना, तो ऐसे देखता है जैसे हम छोटे बच्चे नहीं देखते थे सामान में से क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है. यहाँ अशोक टक्सीडो निकला है. मेरी बेटी है ये, मम्मा की हेल्प कराती है ऐसे देख देख के. मुझे अकेला अकेला फील नहीं होता, तो हम दोनों भाई ऐसे ही बैठे रहते हैं. ये ऊपर बैठता है, मैं नीचे बैठती हूँ, मैं सामान निकालती हूँ, ये सारा सामान देखता है. सुबह से लिटरली सुबह से मैं लगी हुई हूँ घर के काम में. मतलब मेरे को आज बेड खाली करना था, एंड फाइनली बेड पूरा खाली हो चुका है. बैग पैक्स हो चुके हैं, सारा सामान निकाल दिया गया है. और उसमें से 2 बैग भर के, मतलब जो पेपर बैग्स होते हैं बड़े वाले, वो 2 पेपर बैग निकले हैं. मेरे को देने वाले कपड़े हैं, मतलब मैं सोच रही हूँ तो H&M में दे दूँ या फिर किसी को दे दूँ जो पहनने वाले कपड़े हैं, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर कोई फैमिली में वो ले लें. अगर वो ले लेंगे तो ठीक है, एल्स में फिर H&M में दे दूँगी. क्योंकि वहाँ पर H&M में एक वाउचर स्कीम है, तो आपको ये होता है कि आप अपना पुराना कपड़े लेके आओ और उनकी जगह वो 300 रुपये का 500 रुपये का वाउचर दे देते हैं, तो ये भी कर सकता है. मैंने बस अभी अब 9 बजे हैं, जाके मैंने घर की सफाई करी है. मैं नहाई हूँ घर में, जब से स्मेल हो रहा था तो भगवान जी के लिए पूजा वूजा करके आरती लगा, मतलब वो अगरबत्ती जगाई है. अब जाके थोड़ा सही लग रहा है घर भी. एंड अगेन मैंने ये वाली लाइट जला दी क्योंकि ये लाइट बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत प्यारी लाइट है, आई लाइक इट. तो घर का टेंशन भी हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, बस बहुत हो रहा है मेरे को. और एक कमेंट के लिए मुझे बात करनी है आप लोगों से, तो अभी उससे पहले खाना वाना खा लें, देखते हैं क्या करना है. मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, ऑल्दो बारिश हो रही है मुंबई में, बहुत अच्छी वाली बारिश चल रही है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू टॉक यू अबाउट समथिंग, अबाउट वन कमेंट. वो मैं बताऊंगी आपको क्या. 2 कमेंट आपको अब नहीं मिलेगा, जिन्होंने लिखा था कैसे उन्होंने डिलीट कर दिया वो कमेंट. तो आई वॉन्ट टॉक अबाउट इट. मैं जा रही हूँ बाहर, तो मैं आ गई हूँ फूड लैब में. ये जो मेरे क्या कुछ याद आ रहा है, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ. ये रोड पे यही खिलाती है लोगों को, गली में बैठ, गली के नुक्कड़ पे यही खिलाती है. मैंने ऑफिस में नया नया स्टार्ट किया, 3 पत्ते. देखा देखा, मैंने कहा था इधर की ऐसी ही है, ये करती है. मैं बिगड़ गया, मैं बिगड़ गया पूरे के पूरे 4 महीनों में. क्यों दुआएं तो बिगड़ गई ऐसे बिगड़ गई है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती. जैसे मैंने आपको बोला आप इतना बोल रहे हो ना, इसीलिए नहीं रह सकती मैं, क्योंकि ये बिगड़ चुकी है. खुद ही अपने मुंह से बोल दिया है. देखो इसकी शक्ल, देखो देखा, इसके जीवन में कोई और है तो मैं बिल्कुल नहीं. इसने मिलवाया भी नहीं मेरे को. कौन है वो, कौन है वो जिसे हम न जाने. हाँ, 4 महीने बहुत कुछ चेंज हो गया है. 4 महीने में बहुत कुछ चेंज हो गया है ऐसा ही कह रही है. बट एनीवेज हम खेल रहे हैं फिलहाल, उन्हों देखते हैं कौन जीतता है. देखते कौन जीतता है. 5-5, 7-7. ऐसे क्वेश्चन नहीं करते. कौन जीतता है? पूरी तरीके से हैरान. ऑलमोस्ट अरे
ये बुरबुर मुझे बोल रहा मैं तो चलो गली के दुक्कड़ में करता हूँ ये तो हो चुके देख रहा देख रहा बांटने की लेवल देखो इतना ठीक है देखो 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 मतलब बोल तो देख स्पीड बढ़ गई सब की अरे चलो मिलते गए सेकंड राउंड के बाद मैं नहीं खेलूंगी क्या लगता है कौन जीतेगा कौन जीतेगा पता देखा कितने नहीं नहीं पागल वो नहीं बोल रहा मैं बोलो देखो कहीं सामने दो पत्ते और इधर ना पांच पत्ते हैं ठीक है और यह चल रहा है और उठा नहीं फेंकना गाइस मिलते थोड़ी देर के बाद गाइस लास्ट पत्ता वॉज रेड और ये रहे मेरे और ये गेम अभी ओवर सो इट्स लाइक ये बहुत बदतमीजी है अपने में प्रॉम पे दिखा रही है तो तुम अपने में दिखाओ तो तुम अपने से बनाओ गाइस टाटा बाय बाय ये हमारी पत्तेबाज इंसान आ चुकी है अपने सेकंड जीतने वाले गेम में और ये ऑलरेडी जीत चुकी है हमने कोई नहीं गेम जीता ये पहली जीती है अभी ये दूसरा गेम चल रहा है हमारा कोई नहीं दिखा रहे हम ये देखो गाइस ये मेरे से गुस्सा हो गई अब ऐसे ही होता है मेरे साथ इसे कहते हैं बुरी तरीके से हारना एक गेम जीतने के बाद ठीक है ये इसने अभी ऑलरेडी मेरे पे प्लस टू डाल दिया ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि देख लो एक बार ना बहुत ही अच्छे तरीके से जीतने के बाद बहुत बुरी तरीके से हारना किसे कहते हैं तो गाइस ये है मेरे पत्ते और मैंने येलो में प्लस टू फेंका था उसने दो उठा लिए लेकिन मेरे पास खुद येलो नहीं है अब टूटा तो मुझे दो पत्ते उठाने एक अच्छा हाँ मैं सोच टू प्लस टू होनी चाहिए नहीं है भाई नहीं आया येलो मैं नंबर देख लेती हूँ चलो मेरे पत्ते इन द मिडवे हमारा कॉर्न क्या मंगाए चीज़ कॉर्न वो भी आ चुका है इसके पत्ते पता नहीं मुझे कैसे हैं देख लिया मेरे हम गेम खत्म करते हुए नानू के स्टाइल में अपने पत्ते दिखाइए जरा अभी क्या था तेरे पास प्लस टू था मतलब एक स्किप था रिवर्स खाना खा लेते हैं लड़ाई हो गई पता तो गेम में लड़ाई तो बनती है मैं नहीं जीतूंगी तो लड़ाई तो होगी बच्चों में पत्ते मार दिए तो तुझे गया था हम इनको नहीं ला के दे देते ये भी फट जाते तो क्या हो जाता अब बैठे उधर I'm on swing stuff हम बैठे टेबल चेयर पे तो ये बहुत फार हो गया है हार गए नहीं तीन हो गए तीन में से गए दो मैच जीते तो मैं ही विनर हूँ बस आज ना आने वाले का कोई नहीं क्या बोलते हैं दीप के हमने हार के जीतने को हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो मैं बाजीगर ही हूँ मुझे खेलना नहीं आता है दो ये और ये स्कूल लेवल के लिए है
और मुझे नहीं आता है, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि मुझे चेस नहीं आता बहुत अच्छे से खेलना, मैंने घर में भी हारा है तो पर फिर भी हम खेल रहे हैं आज। और ये लड़की नानू प्रसाद लेने गई है वहाँ पे। ले आ चुकी हूँ मैं घर, और घर पे एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी तो निकल के आ गए, और बीच में मंदिर का भी दिखाया था, नानू मंदिर भी हो आई, और तिरामिसू पेस्ट्री ले आया वहाँ से, क्योंकि हमने वहीं से अपना मेरा जो बर्थडे का केक था वहीं से मंगाया था, वो भी तिरामिसू वाले उन पर अवेलेबल थे तो मैं ले आई। मस्त है, इस लड़के को देखो, दिखाती हूँ आपको। ऐसे क्यों बैठा है, अच्छा क्या हुआ, डॉगू चाहिए, डॉगू कहाँ है आशु का डॉगू, ये वाला डॉगू चाहिए आपको, पढ़ा कर दो इसकी। अच्छा हाँ, चिल्लाना नहीं है इसको, इस लड़के को गिराना आ गया है, ज्यादा हीरो बन रहा है, गिराना आ गया तो। अब नहीं चल रहा, वो मना कर रहा है, वो नहीं जाएगा। क्यों बात कर रहे हो आप, बताओ भी। I just wanted to show you something. This is how my baby sleeps. Hi, so cute, I know. मैं बच्चा छोड़ा है। So, ये जब ऐसे सोता है ना, मेरा दिल इसके पास होता है लिटरली। मतलब मेरे को इतना सुकून मिलता है उसको ऐसे सोते हुए देख के, कि वो कितने शांति से, कितना रिलैक्स होके, कितना ट्रस्ट करके वो प्यार से वो सो रहा है ब्लैंकेट में मम्मा के साथ। एंड आई लव हिम, I do not have any word to say, but yes, I love him a lot. He is my everything. Though, तो वो यहाँ लेटा हुआ है और मैं टी वी देख रही हूँ, तो मेरा पंचायत चल रहा है, मेरा पंचायत नहीं, मतलब पंचायत जो शो चल रहा है वो चल रहा है, थर्ड सीज़न, मतलब फाइनल सीज़न जो अभी आया था उसका सीज़न वही चल रहा है, और उसके एपिसोड 5th या 6th पे हूँ मैं, तो वही देख रही हूँ, और वो एपिसोड ख़त्म करके I'll be on, like मैं चली जाऊँगी सोने, और उससे पहले मुझे करना है ऑयलिंग हेयर का, तो आई वहाँ वो भी खुद से ही करना पड़ेगा, तो कुछ दिनों की बातें और, तो अगर मैं मेरे घर में अगर शिफ्ट होंगे तो मैं वहाँ नानू को आराम से बुला सकती हूँ, तो एटलीस्ट वो मेरे हेयर में ऑयलिंग तो कर दिया करेगी यार, मेरे से खुद से तो कुछ होता है नहीं, मतलब आई जस्ट हेट ऑयलिंग, मतलब मेरे को करवाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेरे को खुद से अपना नहीं होता, मैं औरों का कर सकती हूँ बड़े अच्छे से, बट क्या पता क्या करें, करना तो पड़ेगा। और ये देखो आगे लाइट ऑन इधर कर लेंगे, ये सारा छोटू सा मेरा बच्चा इसे सो रहा नहीं कर रहा है, तो मैं ऑयल कर लेती हूँ, अभी रख दे फोन ज़रा थोड़ी देर, मैंने बस ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ना, मैं कर रही हूँ ऑयलिंग, ऐसे ऐसे मसाज ऐसे वो निकाल निकाल के मैं अच्छे से ऑयल कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, मुझे पोनी बनाने भी नहीं आती गाइस, मुझे गुथ करना नहीं आता, जो तेल के बाद चोटी बनाते हैं वो मुझे बनाने नहीं आती, मैं उसमें बहुत बेकार हूँ, मेरे को आज तक नहीं आई, और कभी मेरे को मम्मी ने ऐसे बनाई भी नहीं है, मेरे हेयर हमेशा शॉर्ट रहे हैं, उसके बाद मैं कॉलेज चली गई तो वहाँ पर सिर्फ पोनी खोल के ऐसे ही जाते थे, तो मैंने कभी पोनी बना के नहीं गई हूँ मैं स्कूल में, तो बस यही है, अब ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद मुझे एक बात और करनी है कमेंट के ऊपर, तो वो मैं आपसे आगे करूँगी, तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लो, ऑयलिंग कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस ऑयलिंग हो चुकी है और मैंने इस तरीके से कुछ चोटी बनाई है, मैंने ऐसे चोटी बना ली क्योंकि मुझे और आती नहीं है, तो मैं जा रही हूँ अभी सोने, मैं ये ब्लॉग अभी एंड नहीं कर रही हूँ, मैं अभी कल ब्लॉग एंड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, टाइम 2:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो सो जाते हैं पंचायत, और मेरा पंचायत पूरा ख़त्म हो गया, फाइनली सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, और जो एक कमेंट के बारे में बात करनी है वो मैं आपको सुबह उठ के बात करूँ, क्योंकि मेरे को अभी इस टाइम पर बात नहीं कर सकती वो खुल के,
तो आराम से बात करेंगे उस बारे में, तो मैं भी सोने जा रही हूँ। चलो सोते हैं, मिलते हैं आपसे। As I said, मुझे कमेंट के बारे में बात करनी है। आई गेस किसी ने तो वो कमेंट पढ़ा है या किसी ने उस पर रिप्लाई भी किया था। तो कमेंट एक्चुअली आप लोगों में से किसी ने नहीं किया है, किसी घर वाले ने किया है, अब मेरे घर वालों में से भी किसी ने नहीं किया है, तो किसी के घर वालों में से तो किया ही किसी ने। तो वो कमेंट ये ऐसा था कि जैसा जो भी था एक्चुअली मैं उसको बनने ही बता रही हूँ, बट मेरे को सिर्फ उसके लिए ये कहना है कि अनटिल अनलेस यू नो, यू डोंट नो द होल स्टोरी, तब तक आपको उस चीज़ का उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा बात, अगर आपको इतना ही है जानने की, तो यू शुड हैव ट्राई टू टॉक टू मी, यू शुड हैव यू शुड ट्राई टू नो व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट हैज हैपेंड। तो वो सब आपको करने के बाद ही किसी भी एक डिसीजन पे आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको मैं गलत लगती हूँ, एंड आई एम ओके विद इट, अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, इट्स ओके, और अगर कोई और गलत है तो कोई और गलत है। बट जिस तरीके से, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि किसी फैमिली मेम्बर का इस तरीके से कमेंट आएगा मुझे, मतलब वो भी सोशल मीडिया पर। मेरे को कुछ ऐसा चीज़ें दिखानी नहीं है, एंड आई रियली डोंट वॉन्ट, जितना मैं दिखा सकती हूँ कि मैं खुद परेशान हूँ, मैं मेरी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, मैं यहाँ पे किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करती ना मैं करना चाहती हूँ, एंड इट्स ओके, क्योंकि आई डोंट फील दैट कम्फर्ट जोन कि मैं अपने चीज़ों का इस तरीके से खुले चीज़ों में अभी ये मोमेंट पे मैं बात करूं या फिर मैं बोल पाऊं, क्योंकि मैं उस जोन में ही नहीं हूं कि मैं बात करूं। मैं सिर्फ अपने बारे में बताती हूं, मैं अपने बारे में बोलती हूं कि गाइस आई एम नॉट फीलिंग राइट और वेल, तो उतना है क्योंकि मेरे लोग हैं, मेरी फैमिली है ये लोग, तो मैं उनसे उतना ही शेयर करती हूं। तो गाइस किसी ने एक ऐसा कमेंट किया था और विच पढ़ के मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, बट समहाउ आई फेल्ट कि जिसका जितना सोच होता है वो उतना ही कमेंट करते हैं, एंड अगर इतना ही था तो उन्होंने वो बाद में फिर कमेंट डिलीट क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया था। आई डू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो, तो इन फ्यूचर कभी मुझे दिखाना पड़ा तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ दिखाऊंगी। वेन एवर आई एम गोइंग टू टेल यू माय स्टोरी, तब आपको ये हर चीज़ ज़रूर बता चलेगी। बट अभी मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई रैंडम इंसान जो हमें नहीं जानते वो कमेंट करें तो समझ आता है, वेन योर फैमिली मेम्बर्स डू दैट वो थोड़ा अजीब लगता है। बट अगेन मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज मुझे पता है मेरी प्रायोरिटीज़, और मैं चाहती हूँ कि जो वो जिन्होंने किया वो भी एक लड़की हैं, तो भगवान ना करे कि कुछ भी वो ऐसा कभी फील करें या फिर कभी वो फेस करें। तो बस यही कमेंट था जिसके बारे में मुझे बात करना था, समाओ अगर उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। बस मुझे इतना ही कहना था, तो इसी कमेंट के चीज़ों के साथ करते हैं वाला व्लॉग एंड। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, रियली आई डोंट केयर। सो जैसे सलमान खान बोलते हैं, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बी सेफ, बी हैप्पी, बी रिस्पेक्टफुल, बी प्रायोरिटाइज। मुझे अपने नए वर्जन में मैं सिर्फ खुश देखती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स मी, करते हैं आपसे बाद में बात, बाय बाय, गुड नाइट। सो किचकि चिकी उसे आई लव यू एंड कीप डूइंग, शेयर, लाइक, कॉमेंट, सब कुछ करते रहो। एंड इंस्टाग्राम का सर डिस्क्रिप्शन पे, हमारे डिस्क्रिप्शन पे है इंस्टाग्राम के सारे लिंक्स, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू, टूडल्स।